हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का भी एग्जाम भी जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से चल रहा है, तो फ्रेंड्स आज हम स्टैटिक जीके के टॉप 50 ऐसे सवाल पूछे गए हैं फ्रेंड्स, जो सभी शिफ्टों को एनालिसिस करके बनाए गए हैं। तो आज के क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बहुत ही खास होने वाला है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको सेशन को मिस नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता है? इक्ता है, उसर है, खराज है, हुंडी है। तो किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स? इक्ता के रूप में जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, प्रणीता है, घाट प्रभा है, पूर्णा है, मंजरा है। तो क्या हो जाएगी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी फ्रेंड्स? घाट प्रभा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से फ्रेंड कह रहा, सेबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, गांधीनगर में। तो सेबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है फ्रेंड्स? मुंबई में है। सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग भी आंसर को खुद से सोचा करिए, नहीं आता है तब आगे आपको देखते चलना है और चीजों को याद करते हुए चलना है, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिशुओं के जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती? गाल, श्रोणी, कालर, जानुका। तो शिशुओं के जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती फ्रेंड्स? जानुका नहीं होती। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, ये भी अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नेपाल के कवि हैं भानुभक्त आचार्य ने किस ग्रंथ का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किया है? रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, योग सूत्र। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रामायण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों से कह रहा है कि लोकप्रिय नृत्य लाहो किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, मेघालय से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से। तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? मेघालय से है, इस बात का ध्यान देना। फ्रेंड्स आपके हर एक शिफ्ट में नृत्य से दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इस बात का ध्यान देना। तो लाहो ये अभी पूछा गया है, कहां पे है? मेघालय में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी ऋण समितियां, वित्त मंत्रालय, कृषि व्यापारी। तो कौन सा ग्रामीण परिवार को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वित्त मंत्रालय, यानी 7 में C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से फ्रेंड्स पूछा गया है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 20 अक्टूबर, 9 नवंबर, 9 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? आप सभी लोगों का 9 नवंबर को मनाया जाता है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड। तो किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? कैल्शियम नाइट्रेट को कहते हैं, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है, कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? छनक छम, पारस, नामगेन, खरैती। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स? खरैती इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं फ्रेंड्स? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। कौन सा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? भूमध्य रेखा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ही ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं सिक्किम से जुड़ी हैं? 1, 2, 4, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1, यानी कौन सा हो जाएगा? 12 में पहला वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, अमूल जो अमूल है ये किस राज्य से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया है? कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गुजरात हो जाएगा, यानी 13 में सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? इस्पात में, हवा में, जल में, निर्वात में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी, ध्वनि किस मात्रा में अवधि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात में। इस बात का ध्यान देना, ध्वनि को फ्रेंड्स कोई ना कोई माध्यम चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 15 जून, 23 अक्टूबर, 30 मई। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 15 में ए यानी 1 नवंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा फ्रेंड्स, श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? अंग्रेजी है, तमिल है, सिंघली है, मलयालम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी यानी सिंघली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाजों और पनडुब्बियों को किसके आधार पर डिजाइन किया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर, उत्प्लावन के सिद्धांत पर, सापेक्षिक घनत्व के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 17 में ए यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। लैक्टोमीटर हो, चाहे हाइड्रोमीटर हो, चाहे जहाज हो, चाहे पनडुब्बी हो, इसको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया? शेरशाह, मुहम्मद आजम, औरंगजेब, बैरम खान। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18 में सी यानी औरंगजेब ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी लोगों से कह रहा फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय किसके एक सक्रिय सदस्य थे? जैन धर्म के, आर्य समाज के, बौद्ध बुद्ध धर्म के, वैष्णव धर्म के। तो किसके थे फ्रेंड्स? 19 में भी यानी लाला लाजपत राय किसके एक सक्रिय सदस्य थे? आर्य समाज के थे, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा फ्रेंड्स, जो है प्लासी नामक स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? पद्मा है, हुगली है, भागीरथी है और क्या है, बरकरार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी यानी प्लासी नामक स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से कह रहा, हरियाणा का सुरकुंड मेला किस महीने आयोजित होता है? अप्रैल में, अगस्त में, मार्च में, फरवरी में। तो किस महीने लगता है फ्रेंड्स? आपका फरवरी के महीने में हरियाणा का सुरकुंड मेला जो है लगता है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा फ्रेंड्स, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर या पिसीकल्चर। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 22 में आपका बी जो है एपीकल्चर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, फ्लोरिकल्चर है फूलों की खेती के लिए, सेरीकल्चर है रेशम की खेती के लिए, और पिसीकल्चर किसके लिए है? मत्स्य पालन के लिए है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? साइट्रिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो किसको किया जाता है फ्रेंड्स? आपका फार्मिक अम्ल जो है चींटियों के काटने के समय त्वचा में इंजेक्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा फ्रेंड, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में किस जनजाति का प्रभुत्व था? खोखर का, गखर का, जंजुहा का या लंगाह का। तो किसका है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए यानी खोखर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में। तो कहां हुआ था फ्रेंड्स? 25 में सी यानी बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा, कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? बांध है, बगीचा है, रेगिस्तान है, एक्वेरियम है। तो कौन सा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 26 में सी यानी रेगिस्तान ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर
होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, पंजाब में लोहड़ी त्योहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल में, जनवरी में, दिसंबर में, फरवरी में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बी, यानी जनवरी में जो है लोहड़ी त्योहार जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, कौन सा फ्रेंड्स कह रहा है एक फूल का भाग है? स्त्री केसर, सिराए, मध्य सिरा या सिरा विन्यास। तो कौन सा एक फूल का भाग है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में। ए हो जाएगा स्त्री केसर, ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा फ्रेंड्स, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? पुणे में, मैसूर में, आगरा में, दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 में, डी यानी दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा, कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? सेल्टर वेल्ट, इंटरक्रॉपिंग, रॉक डैम, ओवर ग्रेजिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 में डी, ओवर ग्रेजिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? धारा 134 है, 313 है, 315 है, 312 है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी, धारा 313 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा फ्रेंड, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? शिखर धवन, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, कौन थे? वीरेंद्र सहवाग थे, यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 कह रहा, उकाई बांध किस नदी पर है? ताप्ती पे, माही पे, गंगा पे, नर्मदा पे। उकाई बांध किस नदी पे स्थित है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का ताप्ती नदी पे है, यानी यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा, क्वेश्चन नंबर 34, धौलावीरा और लोथर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो क्या हो जाएगा 34 में बी, यानी गुजरात ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? मिर्जा अजीज कोका, अब्दुल रहीम, राजा टोडरमल, बैरम खान। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, राजा टोडरमल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 फ्रेंड्स कह रहा है, किसने द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड नामक पुस्तक लिखी? फाहियान, अलबरूनी, निकोलो कॉन्टी, हेनस सांग। तो किसने थे फ्रेंड, 36 का आंसर हो जाएगा डी, यानी हेन सांग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों से कह रहा फ्रेंड, किस संशोधन द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? 26वें, 25वें, 27वें, 24वें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 37 में ए, यानी 26वें ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, द अल्केमिस्ट पुस्तक किसने लिखी? एंथनी डोयर ने, पाउल कोएलो ने, कैथरीन बर्स ने, रस्किन बांड ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड 38 में बी, पाउल कोएलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द अल्केमिस्ट पुस्तक किसने लिखी है, पाउल कोएलो ने लिखी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी लोगों से कह रहा, सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? मुखौटा है, चुटकी है, भोटिया है, पांडव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चुटकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 39 में बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है, रिप सीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के किस राज्य में है? राजस्थान,
पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 40 में ए राजस्थान ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा, कौन सी पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है? अवसाद है, त्वरित मूल्य है, मूल्यह्रास है, अभिमूल्यन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 में सी, मूल्यह्रास ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा फ्रेंड्स, प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदियां किस नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की हैं, कृष्णा की हैं, कावेरी की हैं, गोदावरी की हैं। तो फ्रेंड्स किसकी हैं ये 42 में क्या हो जाएगा, डी यानी गोदावरी की है, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? 2010, 2013, 2008, 2005। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 2008 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है 2008 में नेपाल जो है राजतंत्र को समाप्त करके उभरा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड 44 क्या कह रहा है, 44 कह रहा है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं, अरविंद अडिग हैं, अमीश त्रिपाठी हैं, विक्रम सेठ हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 44 में सी, अमीश त्रिपाठी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 22 नवंबर, 24 दिसंबर, 5 सितंबर, 1 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 24 दिसंबर ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स आपसे कह रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ललितपुर में, पटना में, भिलाई में, केवड़िया में। तो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, केवड़िया में है, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा, भारत रत्न किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1956 में, 1952 में, 1954 में, 1963 में। तो कब आरंभ किया गया था फ्रेंड्स, 1954 में जो है भारत रत्न जो है सम्मान देना आरंभ किया गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? कब मनाया जाता है, 12 जुलाई, 5 सितंबर, 1 दिसंबर, 17 मई। तो कब मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, लास्ट टेनिस किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता? स्मैश का, ड्यूस का, स्कोप का, एस का। तो किसका नहीं किया जाता फ्रेंड्स, स्कोप का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मिजोरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। खुल्लम लोक नृत्य कई बार पूछा गया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग देख चुके होंगे कि आज के जितने भी सवाल थे सारे ही महत्वपूर्ण थे। अगर एक बार में चीजें नहीं याद होती हैं, वीडियो को दोबारा देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो फ्रेंड्स इसका मैं आपको पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे फ्रेंड्स मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग ऐड हो जाइएगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।